शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ बेटा, महीनों महीनों बाद फोन करता है, माँ की याद नहीं आती तुझे? अरे माँ, मैं बहुत बिजी हूँ, काम बहुत है मेरे पास अभी। तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना ख्याल रखना। अच्छा माँ, मुझे बहुत काम है, मैं रखता हूँ, ठीक है? प्रणाम। खुश रह। मम्मी जी, घर की सफाई की तूने? जी जी मम्मी जी, की तो है। की तो है, ये सफाई की तूने? देख ये देख, ये देख, ये देख कितना धूल है, ये सफाई की तूने? मम्मी जी, मैं दोबारा कर देती हूँ। दोबारा कर देती हूँ? जब तक अच्छे से मेरा खून ना चूस लेना तो तेरे कान में जू नहीं रेंगती। चल जल्दी साफ कर इसको। किस घड़ी इस घर में आई थी, परेशान करके रखा है। जोर से ताकत लगा, ताकत अच्छे से साफ कर। तेरा बस चले ना तो तू इस पूरे घर को कूड़ादान बना के छोड़े। जी मम्मी जी, हो गया साफ, अब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊं? आ जा, हो जा, बड़ा एहसान करेगी मेरे ऊपर, जा। अरे सुन। जी मम्मी जी। जाने से पहले फीकी चाय बना के जा मेरे लिए। तो मम्मी जी, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। मैंने कहा ना कि मेरे लिए फीकी चाय बना के ला, जा। जी मम्मी जी। बढ़िया ही लेट हो रहा है इसे। मम्मी जी, मैं चलती हूँ। बस बस सुन, एकादशी का व्रत रखा है तूने? हाँ मम्मी जी। अरे सुन सुन, इधर आ, ये पर्स लिखा। मम्मी जी, इसमें कुछ नहीं है। कहीं लंच बॉक्स लेके जा रही होगी तो? पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में तुझे एक कदम इस घर में पड़े। 3 साल हो गए पूरे इस घर में पोते की किलकारी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं, नहीं तो किस्मत ही फूट गई। अरे मम्मी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह, और तुम इतना बनठन के कहाँ चली? अच्छा, ऑफिस जा रही होगी ना? सही है, मजे तो तुम्हारे हैं। सही कह रही है तू। इसके इसी लक्षणों की वजह से ना मेरा बेटा राकेश चेन्नई में पड़ा रहता है। अब क्या गाय की तरह यहीं खड़ी रहेगी? जा ऑफिस, और हाँ, आते वक्त सब्जियां लेते आना। जी मम्मी जी। चाल तो देखो मैडम की, इसको देख देख के तो मेरा बीपी शुगर बढ़ता रहता है। अरे जाने दो ना मम्मी। We'll be right back.
हाय हेलो हेलो हाय मैं सीमा अमाती नहीं मैंने एक हफ्ते पहले ही ऑपरेशन में ज्वाइन किया है तुम अकाउंट्स में हो ना गुड तुम लंच नहीं कर रही तुम्हारा टिफिन कहाँ है मैंने लंच नहीं लाई कोई बात नहीं इसमें से खा लेना बहुत है एक्चुअली मेरा एकादशी का व्रत है ओह अच्छा वैसे मैं दो चार दिन से नोटिस कर रही हूँ तुम अकेले ही बैठी रहती हो तुम्हारा दोस्त नहीं है क्या कोई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हैं मेरे फ्रेंड्स ओके अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम कल से साथ लंच करें ठीक है फ्रेंड फ्रेंड्स यार इतना हेक्टिक स्केड्यूल यार ये छुट्टी के टाइम ही बॉस को हमेशा मीटिंग की क्यों याद आती है इतना क्या घबरा रही है कह देना मंथ एंड क्लोजिंग चल रही है इतना आसान नहीं है सीमा इन लॉस को झेलने मैं निकलती हूँ मुझे लेट हो रहा था अरे एक मिनट रुकना क्या हुआ वो देख मेरे हस्बैंड आ रहे अभिषेक मेरे हस्बैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सैंक्शन ऑफिसर है ये आरती अकाउंट देखती है आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी है हेलो हाय मुझे ना बहुत लेट हो रहा है मैं निकलती हूँ अरे नहीं रुकना नहीं सुनना कहाँ मर गई ये टाइम देखो 8 बजने को जा रहा है इस महारानी को घर की कोई चिंता नहीं है कहाँ मटर गस्ती मार रही होगी कहीं आ गई महारानी कहाँ थी तू अब तक 6 बजे तेरा ऑफिस बंद होता है और तू 8 बजे घर आ रही क्या कर रही थी अब तक वो मम्मी जी बॉस ने रोक लिया था एक मीटिंग थी मंथ एंड क्लोजिंग है ना इसलिए ये बहाने बनाना बंद कर मैं खूब जानती हूँ तेरी चलाकियाँ देखो समझती है मुझे मैं सच कह रही हूँ बढ़िया ही राजा हरिश्चंद्र की औलाद तेरे वक्त बेवक्त खाने से मेरा बीपी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है मम्मी जी मैं अभी कुछ बना देती हूँ धन भाग मेरे मेरी बहू को मेरी चिंता तो हुई अब जा जल्दी बना के ला कुछ मेरे लिए जी ए राम दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है तेरा भी ना अच्छा नाटक है पहले मर्ज दे फिर दवा लगा इतना दर्द हो रहा है क्या हुआ माँ अरे क्या होना है इस मुसीबत के रहते हुए कोई चैन से रह सकता है अरे 3-4 दिन से भर भर के नमक डाल रही है खाने में इतनी बार कहा प्यार से समझाया पर नहीं इसके तो कौन में जू नहीं रेंगती बेचारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करती मैंने अरे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे उसके लिए पर इसी मुसीबत में गले पड़ना था इसी की वजह से ना महीनों महीनों मेरा बेटा घर नहीं आता माँ की खैर खबर नहीं पूछता शांत हो जाओ माँ क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हो ये तो शुरू से मुझे एक आंख नहीं भाई पता नहीं तुम्हें इसमें क्या दिख गया था देखो बेशर्मों की तरह खड़ी होकर सुनती रहती है बस मैडम जाइए हो गया बहुत सेवा कर ली जाइए आराम करिए आओ माँ मैं तेल लगा देती सर दर्द के मारे फटा जा रहा है आपको तो मैंने पहले ही बोला था लतिका मेरी सहेली भैया के लिए कितनी अच्छी थी पूरा घर और भैया दोनों को अच्छे से संभाल लेती कितनी बार दोहराती रहेगी हो गई गलती तो हो गई क्या करूं जान दे दूं अपनी क्यों बार बार फोन कर रही हो तुम्हें मना किया था ना तुम्हें समझ में नहीं आता हेलो राकेश वो दरअसल मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी अगर एक बार बात कर लेते तो तुम्हें यह ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है पूजा है घर पे
क्या हुआ जनाब, किस ख्याल में डूबे हो? कुछ नहीं। अच्छा, शाम से देख रही हूँ उखड़े उखड़े से हो, खाना भी ठीक से नहीं खाया, बताओ ना क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, वो ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ है बस। बस इतनी सी बात, मूड तो मैं ऐसे ही बना देती। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे बुझे बुझे गुमसुम मायूस रहने में बहुत मजा आता है क्या तुझे? ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है बता, क्या कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। तुझे पता है ना कि तू मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकती है बेझिझक, हम अच्छे दोस्त हैं, है ना? मुझे पता है मेरी अच्छी दोस्त। तो फिर बता क्या हुआ? एक्चुअली कल रात शायद थोड़ा लेट सोई थी, इस वजह से थकावट हो गई। जवानी के दिन, लंबी रातें, पति से जुदाई, बहुत याद आ रही है क्या राकेश की? एक्चुअली कल मेरी सास की तबीयत खराब थी तो उन्हीं की तीमारदारी कर रही थी। और मैं यहाँ क्या क्या सोच रही थी। वैसे बहुत खुशनसीब है तेरी सास जो तेरे जैसी वो मिली, जो घर ऑफिस सब कुछ संभाल रही है, वो भी बिना पति के। वैसे मैं कितनी लकी हूँ ना कि मुझे अभिषेक जैसा पति मिला, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, हर कदम साथ चलने वाला। देखना आरती, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक बेस्ट, एक आइडियल और दुनिया का सबसे अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा तुम्हें। मुझसे शादी करोगी? ओ मैडम फ्लैशबैक, ये बार बार कहाँ चली जाती है? इस बार क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मैं अपने घर जा रही हूँ भोपाल, माँ ने पूजा के लिए बुलाया है इसलिए एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। अभिषेक भी जा रहे हैं? नहीं, अभिषेक नहीं आ रहे। अच्छा लंच टाइम हो गया है, चल लंच करते हैं, मैं टिफिन लेके आती हूँ। अभिषेक तुम? आरती, आरती मुझे मुझे तुमसे बात करनी है। माफ करना, पिछले 4-5 दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। बड़ी हिम्मत जुटाकर आज बात। अभिषेक, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? वो सीमा को जब फर्स्ट डे यहाँ पर ऑफिस में छोड़ना आया था, तब तुम्हें यहाँ पर आते हुए देखा था ऑफिस में। मैं रोक ही नहीं पाया खुद को आरती, और मैंने तो तुमसे दोबारा मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन आरती किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, मैं चाहती कि हम दोबारा मिले। अभिषेक ये सब सही नहीं है, अभिषेक मुझे भूल जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर सीमा बहुत अच्छी लड़की, मेरी अच्छी दोस्त भी है। तुमने सीमा को हमारे बारे में बताया? मैं जा रही हूँ अभिषेक। आरती मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, बहुत कुछ क्लियर करना है, तुम ऐसे अब कुछ क्लियर करने के लिए नहीं रह गए, मुझे भूल जाओ। हरती, हरती मेरी बात तो सुनो।
क्यों जा रही हो यार? मैं पता है जाना जरूरी है। ये कुछ फाइल्स हैं ऑफिस में जमा करवानी है, तुम करवा दोगे? प्लीज, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। अच्छा, तुमने आरती को बताया है कि तुम भोपाल जा रही हो? क्या बात है, आरती की बड़ी पूछताछ हो रही है। शराब यार। सुनो, चलो ना प्लीज। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, चुपचाप से जाके सो जाओ प्लीज। अब जाओ, कल से तुम्हें अकेले ही सोना है, आदत लगा लो। और ये फाइल मत भूलना, याद से दे देना। ठीक है। इतना परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। मैं मम्मी पापा से बात करूंगी हमारी शादी के लिए, वो जरूर मान जाएंगे। और मिस्टर अभिषेक, इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं, समझे? सच्ची? गॉड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस। आरती, अभिषेक, अभिषेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सीमा तो भोपाल गई है ना? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ आरती। मुझे तुमसे नहीं मिलना अभिषेक। आरती, आरती प्लीज मेरी बात तो सुनो। कुछ मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब दे। तुम अचानक से ऐसे बिना कहे बिना बताए मुझे छोड़ के चली गई आरती। अभिषेक, हमारी शादी के लिए कोई तैयार नहीं था। मम्मी पापा रिलेटिव सबका प्रेशर था मुझ पर, और मुझे तो किसी ने सोचने समझने तक का टाइम नहीं दिया। मेरी शादी जबरदस्ती राकेश से करा दी, मैं तुम्हें क्या बताती? प्लीज भूल जाओ मुझे अभिषेक। आरती, आरती मेरे साथ चलो, मुझे मुझे कुछ दिखाना है। तुम क्या है? कुछ मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे घर जाना है। आरती, आरती प्लीज प्लीज, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें घर, सिर्फ सिर्फ 10 मिनट की तो बात है। आरती, अचानक से सब कुछ पुराना ऐसे मेरे सामने आ गया, मैं बहुत हैवी फील कर रहा हूँ। आरती प्लीज। अभिषेक तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो, कोई देख लेगा। आरती प्लीज मेरे साथ घर चलो, प्लीज आरती प्लीज। ये देखो ये फोटोग्राफ्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, ये सब तुमने अब तक संभाल के रखे? क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे आरती, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। और सीमा? हम दोनों साथ में कितने खुश थे आरती, कितना तकलीफ दे हुआ है तुमसे दूर जाना, और उससे भी तकलीफ दे तुम्हें बुलाने की कोशिश कर। मैं आज भी बहुत प्यार करता हूं तुमसे आरती, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? भुला चुके हो मुझे? मुझे माफ कर अभिषेक, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी से कर ही नहीं सकती।
बहुत प्यार करती हूँ। अब मत रोना हाथी, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। और देखना, अब तुम्हें किसी भी तरह का दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। मैं हूं ना। हाँ बेटा, तेरी नाराजगी आरती से है। तू महीनों महीनों अपनी माँ को मिलने भी नहीं आता। अब तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तू खुद चेन्नई जाके बैठ गया है और मुझे यहाँ आरती के भरोसे छोड़कर। बेटा, मुझे भी तेरे पास आना है, मुझे भी अपने पास बुला ले। अरे माँ, मैं यहाँ काम में बहुत बिजी हूँ। वहाँ पूजा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अरे माँ, क्यों भैया को टेंशन दे रही हो? पूजा बोल रही है कि भैया को परेशान मत कर। अच्छा बेटा, तू अपना ख्याल रखना। ओके माँ, रखता हूँ। प्रणाम। खुश, मैं रखती हूँ ना। माँ, लतिका की अभी भी शादी नहीं हुई है। भैया के बारे में कुछ सोचिए और उससे पहले तो इस आरती का ठिकाना लगाइए। तो ठीक कह रही है बेटा। आजकल मैडम रोज लेट आ रही है। राकेश की जिंदगी का सवाल है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। आज क्या बहाना है मैडम आपका? ऑफिस में ऑडिट चल रहा है, 3-4 दिन और लेट होगा। देखा नहीं माँ कैसे जवाब देकर गई है? तो क्यों उसके मुंह लग रही है? राकेश को बोलकर इसका कुछ ना कुछ इंतजाम कराना ही पड़ेगा। तो परेशान मत हो। बहुत पर निकला है माँ इसके। टाइम देख रही हूँ, 9 बज गए और अभी तक ये घर नहीं आई है। तो ठीक कह रही है, आज आने दे से। इसको ये सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगी ये। आ गई महारानी। कहाँ थी अब तक तू? मुझे बताया था ना, ऑफिस का ऑडिट चल रहा है। झूठ बोल रही है। तेरा रोज ऑफिस में ऑडिट चलता है? बेवकूफ समझ रखा है हमको? मम्मी जी, तेरा रोज हम इंतजार करते रहेंगे, महारानी मटक मटक के आएगी घर में। मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बता रही मम्मी, ये आवारा गर्दी करती है ऑफिस के नाम पे। सच कह रही है? मम्मी जी बोल के मुझे रोज बेवकूफ बनाती है तू। रोज बेवकूफ बनाती है। पकड़ सो, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करती, आवारा गर्दी करती है। मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकती, तेरे से दूर रहता तेरी वजह से। तुम इतना टाइम क्यों लगा दिया डोर खोलने में? कोई है क्या? हाँ है ना, ये रे। अरे ये रे। आ जाओ, खाना बनाया मैंने। अरे यार आरती, क्या कर रही हो? लग रहा है मुझे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे। क्यों छुपा रही है? बता क्या हुआ? अरे कहा ना, कुछ नहीं। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं। देख आरती, मैं तेरी दोस्त हूँ ना, तो मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकती है। बता क्या हुआ? सीमा, मैं सच कह रही हूँ, मैं बाथरूम में फिसल गई थी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तू किसी से कुछ कहती क्यों नहीं है? I mean,
तू अपने घर वालों को बोलना, तेरे मम्मी पापा किसी को तो बोल। कोई नहीं है मेरा, मम्मी पापा 2 साल पहले गुजर गए, भाई बहन कोई नहीं है, चाचा ताऊ वो तो उल्टा मुझसे लड़ रहे हैं कोर्ट में प्रॉपर्टी के लिए। पर पुलिस, पुलिस तो है ना? पुलिस मतलब तू ये कह रही है कि पहले मैं अपने खानदान वालों से, फिर अपने ससुराल वालों से, दोनों से पहले पुलिस में फिर कोर्ट कचहरी में लड़ती रहूं? इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती। आरती तुझे क्यों लगता है कि तू अकेली है? मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी दोस्त हमेशा। क्या हो गया? भारती की सास और ननद एक दिन मार डालेंगे उस लड़की को, तुम देख लेना। पता है पूरा मुंह आंख सब सूजा हुआ था उसका, और वो पागल पुलिस कंप्लेन करने तक को तैयार नहीं है। उसने उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया? नहीं है, 2 साल पहले गुजर गए। पेरेंट्स के मरने के बाद उसके पति, सास, ननद सबका बिहेवियर और ज्यादा खराब हो गया। बेचारे को छोटी छोटी बात के लिए टॉर्चर करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बेचारे का कोई भाई बहन भी नहीं है। पता है? पता है? तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब है कि नहीं है, तभी तो इतना इतना सहन कर रही है ना बेचारी। कहती अकेले किस किस से लड़ूं? हम कुछ कर नहीं सकते क्या? कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो वो लोग मार डालेंगे उसे। गंदे और पर घटिया किस्म के लोग हैं। उन्हें लगता है आरती का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए उसको इतना परेशान करते हैं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं। क्या? हमें उनको बताना पड़ेगा कि आरती के भी वेल विशर्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, और वो लोग इस तरह से आरती को परेशान नहीं कर सकते। लेकिन कैसे? है एक आइडिया। क्या? बताऊंगा। अरे भाई आ रहे हैं। आप लोग कौन? नमस्ते आंटी, मैं सीमा, ये मेरे हस्बैंड अभिषेक। नमस्ते। मैं आरती की सहेली हूँ। आरती घर पर है क्या? हाँ। अरे सीमा तुम अंदर नहीं बुलाएगी? सो सॉरी, प्लीज कम इन। बैठो बेटा। सीमा जी कोई बात। अरे ऐसे कैसे, बैठो बैठो। अब सीमा, ये पूजा है मेरी ननद। हेलो। पूजा, ये सीमा है मेरी दोस्त। दोस्त? बहुत अच्छी दोस्त, हम दोनों साथ में काम करते हैं। अच्छा, तो आप ही साथ में काम करती हैं? जी। और आप? जी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर हूँ। अच्छा, ओह नाइस, इम्प्रेसिव। मैं एक्चुअली केएमसी इंटरनेशनल में हूँ, तो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काफी काम पड़ता है। ओह गुड, आप इंजीनियर हैं? जी। नाइस। वैसे आप कौन से फ्लोर पे? थर्ड फ्लोर। ओके ओके, वो सेकंड फ्लोर पे मिस्टर संतोष रेड्डी है ना? हाँ, आई नो हिम, एचओडी ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। राइट राइट, उनके यहाँ मुझे प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए काफी आना होता है। अच्छा, तो अच्छा लगा आपसे मिलके, जल्दी मुलाकात होगी फिर। अरे ऑफिस में कॉफी पे नहीं बुलाएंगे? हाँ श्योर। आपका कोई विजिटिंग कार्ड या कोई कांटेक्ट हो तो? क्या? ग्रेट, वेट मैं अभी आई। अच्छा आरती, आज रक्षाबंधन है ना, तो चल जल्दी से अभिषेक को ये राखी बांध दे। राखी? हाँ, आज रक्षाबंधन है ना।
आंटी आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? वो क्या है ना, अभिषेक की कोई बहन नहीं है तो हर राखी पे खाली कलाई देख के बहुत मायूस हो जाते हैं। और आरती का भी तो कोई भाई नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, हमें क्या एतराज होगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आरती का भी कोई इस शहर में है। आरती जाओ थाली लेकर आओ, पूजा जा। जी मम्मी जी। भैया, और ये मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट। अच्छा तुम मेरी ननद। थैंक यू। हाँ अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। अरे रे ऐसे कैसे, कुछ खा पी के जाओ ना। नहीं आंटी, फिर कभी, घर पे भैया भी आ गए होंगे और वैसे भी अब तो हम रिश्तेदार हैं, आना जाना लगा रहेगा। क्यों? चलिए आंटी। अरे अभिषेक, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कॉल जरूर करना। श्योर। चलिए फिर, अच्छा लगा आपसे मिलके। जल्द मुलाकात होगी। या श्योर। अभिषेक चले? हाँ। अच्छा बाय बाय आंटी। दिमाग लगाया तुमने, वैसे राखी ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सीमा ने सब बताया मुझे। अरे भाई बहुत सोच समझ कर किया है यार, हम कहीं पर भी कभी भी मिलते हैं, अगर तुम्हारे इन-लॉज ने या फिर सीमा ने देख लिया तो तकलीफ हो जाएगी। अच्छा ओके। और तुम्हारे इन-लॉज को भी बताना था कि कोई है जो तुम्हारा ख्याल रखता है। वैसे अभिषेक तुमने बिल्कुल सही किया यार, ये भाई बहन वाला कवर बहुत ही सॉलिड है, तुम्हें पता है अब हम कहीं पर भी कभी भी मिल सकते हैं, और मैं तुम्हारे घर पर भी आ सकता हूँ तुम्हें मिलने के लिए। शातिर आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये रातों रात के भैया भाभी कहाँ से पैदा हो गए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। क्या मम्मी तुम फिर वही बात लेके बैठ गई? अरे पूजा तो समझ नहीं रही है, अरे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैडम के तेवर देख रही है ना कितने बदल गए हैं, अरे वो दोनों के दोनों उसको सिखा पढ़ा रहे हैं, जबान लड़ाना, घर लेट आना, झूठ बोलना। तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा सोच रही हो? अच्छा माँ, अभिषेक अच्छा लड़का है ना, इसकी बीवी थोड़ी तेज है, ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही थी। तू अभिषेक के बारे में सोचना बंद कर, अरे पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, इस आरती की बच्ची को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने राकेश का घर बसते हुए देखना चाहती, उसके बच्चे खिलाना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। हाँ अरे माँ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। क्या? मैंने वो प्रमोशन के बारे में बताया था ना? हाँ? वो मुझे मिल गया। सच? हाय। तो खूब तरक्की करे, खूब ऊंचाइयों पर पहुंचे, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ। पर एक प्रॉब्लम है माँ, कंपनी प्रमोशन के साथ कुछ महीने बैंगलोर ट्रांसफर कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ प्रमोशन लूं कि नहीं। अरे तू पागल हो गई है जो प्रमोशन छोड़ने की बात करती है, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं। नहीं प्रमोशन नहीं छोड़ते अपना बेटा, तू जा। पर माँ मैं अकेले बैंगलोर में कैसे मैनेज करूंगी, और इस आरती के भरोसे तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती मैं। तो फिर क्या करेगी तू? तुम चलोगी क्या मेरे साथ? हाँ अच्छा मैं चलूंगी, कुछ दिन के लिए मेरा भी हवा पानी चेंज हो जाएगा है ना, राकेश को भी वहीं बुला लेंगे, वहीं कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे इस आरती से कैसे छुटकारा पाना। अच्छा सुन, बैंगलोर तो चेन्नई से नजदीक है ना? हाँ माँ। चल अच्छा है। चलो दो दिन में हम निकलेंगे, तुम सामान बांधना शुरू कर दो अभी से। ठीक है? ठीक है। आरती। जी मम्मी।
मम्मी जी आरती जी मम्मी जी मैं पूजा के साथ बेंगलोर जा रही हूँ इस घर का ख्याल रखना साफ सफाई और बाहर गमलों पेड़ पौधों में बराबर पानी देते रहना मैं जल्दी लौट कर आऊंगी समझी और हाँ हमारे जाने के बाद ना ये पड़ोसियों के साथ महफिल जमाने मत बैठ जाना किसी को अपने घर में घुसाने की जरूरत नहीं है और हाँ हमारे जाने के बाद खुद को उस घर की मालकिन मत समझ लेना मैं जल्दी लौट कर आ रही हूँ चलो मम्मी फ्लाइट छूट जाएगी अरे पूजा तो समझ नहीं रही है सब कुछ उसके हाथ में पूरा घर छोड़ देना पता नहीं कैसे रखेगी क्या रखेगी ठीक है फिर छूटने दो फ्लाइट अच्छा अच्छा चलते हैं सब खाने पीने का सामान रख दिया है ना इसमें जी मम्मी जी मम्मी हो गया बस अब चलो प्लीज चलो चलते हैं सब ठीक से संभालना हमारे जाते ही पता नहीं क्या क्या करेगी देखना दोस्तों को बुलाकर महफिल जमाने वाली है ये क्या है घर के मालिक बाहर गए आप कभी और आना लेकिन मुझे तो घर की मेड से मिलना है अच्छा मैं आपको मेड नजर आती हूँ अच्छा वैसे बहुत जल्दी आ गए गली के कोने पर ही खड़े थे क्या हाँ यार क्या करूँ वेट ही नहीं हो पा रहा था अच्छा वेरी स्मार्ट और सीमा को क्या कहा यही कि अभी एक नई नई गर्लफ्रेंड बनी है तो उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ झूठे सच्ची वो भी इसी तरह से हंसी सीमा बहुत भोली है यार अच्छा सीमा बहुत भोली है तो मैं बहुत चालाक हूँ अरे मेरी सीधी सादी नई नवेली गर्लफ्रेंड माफ कर दो वैसे चालाक तो तुम हो और शातिर भी चलो अंदर चलते हैं हाँ चलो पागल लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है क्या हुआ मैडम को कब से फोन कर रही हूँ फोन ही नहीं उठा रही है पता नहीं कहाँ बिजी है अरे तो तुम चिंता क्यों कर रही हो काम में बिजी होगी वो शायद ऑफिस से भी जल्दी निकल गई थी तबीयत भी खराब है उसकी चिंता हो रही है मुझे अब क्या क्या हुआ उसको एक बार फोन उठाए जरा अच्छे से क्लास दूंगी इसकी हाँ शिवम हाँ शिवम मैं पहुंच रहा हूँ दस मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं बस अभी निकल रहा हूँ क्या हुआ वो अपना मोंटू है ना उसने फिर से शराब पी ली और अभी पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया उसने झगड़ा कर रहा है सबसे शिवम है ना उसका फोन आया था बुला रहा है जाना पड़ेगा ओके हेलो आरती ये क्या तरीका है एक मैसेज नहीं छोड़ सकती थी अरे मेरी बात तो सुन क्या सुनूं पता है कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे सीमा मेरी बात सुनेगी हाँ बोल अरे वो मेरा ना ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था तो डॉक्टर ने टैबलेट्स दी थी वही खा के मैं सो गई और फोन साइलेंट पे था इसलिए पता नहीं चला तू सच बोल रही है ना पक्का ऐसा वैसा कुछ नहीं है अरे मैं सच कह रही हूँ मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था अब अरे दरवाजे पे कोई है मैं रखती हूँ हाँ इस वक्त हाँ पता नहीं कौन होगा मैं देखती हूँ बाय बाय हरदीप क्या हो गया अभिषेक क्या क्या हो गया ये तो बताओ अभिषेक क्या हुआ अच्छा ठीक है चलो चलो कोई बात नहीं रो रो मत बैठो बताओ क्या हो गया मुझे बहुत घबराहट हो रही है ठीक है मुझे बताओ तो सही आरती हुआ क्या है I'm pregnant मुझे लगा था हार्मोनल चेंजेस है लेकिन मैं कितनी बेवकूफ कितनी स्टूपिड थी मैं
सब अधीन है भाई अभिषेक, अगर सासू माँ को पता चल गया पूजा तो ये लोग तो, और अगर राकेश को पता चल गया तो सीमा सीमा क्या करेगी? आरती आरती ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा, ठीक है? मैं राकेश को डाइवोर्स दे दूंगी, ठीक है? मुझे ये बच्चा चाहिए अभिषेक। आरती तुम चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे हम। मुझे सोचने दो अभिषेक, तुम दोगे ना मेरा साथ? हाँ बाबा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा दूंगा तुम्हारा साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस मुझसे शादी करोगे ना? हाँ आरती, मैं करूंगा तुमसे शादी, बस अभी अभी काम करो, तुम आराम करो, आराम करो, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो एकदम। इस वक्त कौन हो सकता है? कोई बात नहीं, कोई होगा, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ, ठीक है? रेस्ट करो। अभिषेक तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारी बीवी भी है क्या? आरती कहाँ है? आरती सुनो, आरती सुनो, मेरी बात तो सुनो। बेशरम औरत, डॉक्टर मेहरा का फोन आया था मुझे, किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है? अच्छा अच्छा, अब मैं समझी, तुम दोनों भाई बहन के नाम के पीछे ये सब नाटक कर रहे हो। तुम्हारी बीवी को पता है क्या? नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो देखो, कोई गलतफहमी हुई है, हमें मुझे क्लियर करने का मौका दो। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे सब पता है, और अब मैं तुम दोनों का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। कुछ नहीं है। और तुम तो चुप रहो, अभी मैं राकेश भैया को बताती हूँ, तुम्हारी बीवी को तो मैं खुद जाके बताऊंगी। मुझे प्लीज प्लीज राकेश को मत बताना प्लीज। तुम दोनों को तो मैं बर्बाद करके रहूंगी। मैंने कहा ना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? इधर आ, इधर आ। अभिषेक छोड़ो मुझे। आरती पैर पकड़ो इसके, दस के पकड़ो। तुम्हें क्या करता हूँ आरती? अब हम क्या करेंगे अभिषेक? लाश को ठिकाने लगा होगा, ठीक है? और तुम ना, तुम बिल्कुल भी पैनिक मत करना, और एकदम नॉर्मल रहना, घर पे ऑफिस में हर जगह पर एकदम नॉर्मल रहना, ठीक है? और सुनो आरती, तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, ये बच्चा गिराना पड़ेगा तुम्हें, वरना हम लोग चैन से नहीं जी पाएंगे और हमारी हालत खराब हो जाएगी, तुम समझ रहे हो ना? मैं बॉडी को ड्रेनेज में जाके ठिकाने लगाता हूँ, ठीक है? तुम पैनिक मत करना। अभिषेक कहाँ है? गिरफ्तार कर लो। क्यों? कहाँ लेके जा रहे हैं हस्बैंड? ये मेरी बहू, किसी ने मेरी बेटी का खून किया, गिरफ्तार कर लीजिए। क्यों मारा तूने मेरी बेटी को? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरी बेटी को मारा, गिरफ्तार कर लो उसको। हमें आपकी ननद पूजा शर्मा की लाश मानिकपुर की ट्रेन से मिली है, क्या वो मंगलवार की रात को यहाँ पर आई थी? बोलो, आई थी या नहीं? डॉक्टर मेहरा ने हमें आपकी प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ बता दिया है। देखो आरती, जब पूजा की लाश हमें ट्रेन में मिली थी तो उसके फोन की लास्ट लोकेशन इसी घर में बता रही थी, बताओ सच क्या है? बताती हूँ, उस दिन अभिषेक छोड़ो मुझे। रेस्ट करो इसे।